आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन टीनेजर स्कूल ड्रामा जिसका नाम है ट्रू एंडिंग। कहानी की शुरुआत कोरियन कल्चर को दिखाते हुए होती है। एक स्कूल गर्ल दूसरी स्कूल गर्ल को डरा धमका कर बुली करके उसे पैसे छीन रही होती है। इन्हें ऐसा करते एक ली जिन नाम की बड़ी सी लड़की देख लेती है और गलती से अनजाने में बुली को सपोर्ट कर देती है। तो बुली के पैर हवा में उड़ने लगते हैं कि अब दिन में दो की जगह मैं चार लड़कियों को बुली करके पैसे छीनूंगी। ली जिन हमें बताती है कि क्या दिन थे जब मैं भी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और उस टाइम भी मुझे सेम तरीके से बुली किया जाता था। और हम देखते हैं ली जिन जो कि टीनेजर होती है और आज हाई स्कूल में इसका फर्स्ट डे होता है। जब यह आकर बेंच पर बैठती है तो इसकी बेंच के ऊपर आकर किम नाम की लड़की बैठ जाती है और इसे देखो यार तुम देख के बता देगा कोई की बुली है ये, क्योंकि बुली इसके बाल हमेशा स्ट्रेट होती पता नहीं क्यों। ओके अब ना ये देख कर ना बुली अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेती है और यहाँ पे ना बैठ के गप्पे मारने लगती है। लीजिन कहती है कि हटो सामने से, पर बुली ना हटती नहीं, इसको परेशान करती। तो लीजिन लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहती है, सीधी साधी लड़की होती है ना, तो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इनकी क्लास कुछ खास नहीं है, बोरिंग होती है भाई बहुत ज़्यादा। इतने में ही भाई क्लास का स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम हंक आता है, इसका नाम सुहो होता है, जो लीजिन के साइड में आकर बैठता है और उसका पेन बॉक्स गिरा देता है, फिर से माफ़ी भी मांगता है। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं लीजिन को जो कि सुहो के रेस्टोरेंट में आई हुई है और बातें करने में बहुत शर्मा रही होती है, कुछ कर नहीं पाती तो टी ऑर्डर कर देती है, पर थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि तुम सुहो हो ना। सुहो बेचारा काम के बोझ के तले दबा हुआ है, इसे कुछ भी याद नहीं। कहता नहीं तुम कौन हो? तो लीजिन अपना पुराना चश्मा पहनती है जो स्कूल में पहनती थी, कहती अब पहचाना अब पहचाना। इतने में सुहो का कोवर्कर आकर माहौल खराब कर देता, भाई पूरा गंदा आदमी है ये। वापस से पास्ट में आते हैं हम। अब लीजिन के साथ गू नाम की एक लड़की बैठा करती है, दोनों फ्रेंड्स बन गई है। गू लीजिन का मेकअप करती रहती है और इसको अपने घर पर भी लेकर जाती है। गू की मदर जो कि गू से वह दो चार साल ही बड़ी होती है खाली, कहती है कि वाह मेरी प्यारी बेटी गू कितना अच्छा मेकअप किया है तुमने, इतने सुंदर बना दिया तुमने इसको। गू की मम कहती है कि देखो तुम हमेशा साथ में रहना, दोस्ती रखना, मतलब तोड़ना ओढ़ना मत, और हाँ तुम ना चश्मा मत पहना करो लीजिन, तुम चश्मे में बहुत बुरी दिखती हो। अगले दिन क्लास में गू कहती है कि जानू तुम सॉरी लीजिन तुम चश्मा मत पहना करो, बिना चश्मे के बहुत सुंदर लगती हो। सुहो भी आकर कहता है हाँ हाँ बिना चश्मे के बहुत सुंदर लगती हो। इतने में एक लड़की आती है सियोंग नाम की, ठीक है। अब भाई लीजिन को कहती है ना तुम स्कूल फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी क्या? लीजिन क्या ही करे मानी जाती है। अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं लीजिन रेस्टोरेंट से निकलते हुए कहती है कि सुहो ही है जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी, और तभी इसे गू का मैसेज आता है। तभी अंदर से सुहो आकर कहता है कि हे सुंदरी अपना फोन नंबर तो देती जाओ। लीजिन वह ब्लश करने लगती है और नंबर दे देती है और कहती है टच में रहना। यहाँ पास्ट में हम फिर से देखते हैं कोरियन शो के अकॉर्डिंग अगर तुम सुंदर हो तो बुली तो होना पड़ेगा ना तुम लोगों को, तो लीजिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। इसको ना खूब बुली बुली किया जाता है क्लास के अंदर क्योंकि सुंदर है ये, तो गू आकर इसको बचाती है और कहती है इग्नोर करो उन गंदी लड़कियों को चीची तुतू, और तुम ना मेरी बात माना करो, मेरे साथ रहा करो, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। और अगले दिन सुहो लीजिन को फोटोग्राफी क्लब में लेकर जाता है और कैमरे से उसकी फोटोज निकालता है। इतने में कुछ लड़कियाँ आ जाती है, कहते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है अकेले में, और भाई डेटिंग शेटिंग में चल लिएगा तुम लोगों की। लीजिन बेचारी शर्मा आ जाती है और कहती है नहीं तो। यहाँ प्रेजेंट में लीजिन को किसी ने पार्सल भेजा है और चौंकने की बात यह होती है कि जो पार्सल लेकर लड़की आई है ना वो और कोई नहीं बल्कि सियोंग होती है, वही सियोंग जिसने लीजिन को स्कूल में फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा था। अब लीजिन शौक हो जाते हैं, रुको तुम ये क्यों कर रही हो और बाकी के हमारे क्लासमेट्स कहाँ हैं सारे? सियोंग कहते हैं मुझे क्या पता होंगे कहीं, मैं थोड़ी बात करती हूँ। वापस से भाई पास्ट में आते हैं हम और लीजिन ने अब गू की मदर की बातें मान के चश्मा पहनना भी छोड़ दिया होता है, और सुंदरता की वजह से क्लास की बुरी बुरी बुली बुली घटिया घटिया लड़कियां भी होती हैं जो सब इससे दोस्ती कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर तुम सुंदर हो तो तुमसे दोस्ती की जानी चाहिए ना। अब इसकी खूबसूरती के चर्चे उड़ते उड़ते आजू बाजू हर जगह पहुंच गए होते हैं, तो अब टाइमिन नाम का एक लड़का भी आ गया होता है जो इसे गिफ्ट देकर इसका फोन नंबर मांगता है। अब लड़के इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से ले आते, शर्म नहीं आती, गिफ्ट देके नंबर मांग रहा है ब्रो ये भाई। अब सुहो देख रहा होता है जल रहा है। लीजिन बाद में अपनी कंपटीशन के लिए फोटोज क्लिक करने जाती है और इधर गू सुहो भी आए हुए अपने फोटोज के लिए, तो अब लीजिन इन दोनों को देख कर जलने लग जाती है। और रात को गू से पूछती कि तुम्हें मजा आ रहा है क्या फोटोग्राफी क्लब में? गू कहती हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है, ये तो भाई पक्का सुहो की वजह से बोल रही है। और फिर पूछती है ना कि तुम उस गिफ्ट देने वाले लड़के के साथ मूवी डेट पर जाओगी क्या लीजिन? लीजिन कहती नहीं नहीं मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गू पूछने लगती कौन है बताओ बताओ हमारे जीजू पर। लीजिन
बताती नहीं है कि मैं नहीं बता रही बहन अभी। वहाँ वापस प्रेजेंट में हम लीजिन को देखते जो सियोंग से कहती कि तुम गू से नफरत क्यों करती थी। सियोंग कहती है कि नफरत नहीं करती थी, वह जलती थी मैं उससे क्योंकि वो सूहो के बहुत ज्यादा करीब जाती थी। मैंने देखा था एक दिन सूहो पेपर पर लिख रहा था कि मैं गू को पसंद करता हूं। तो सियोंग जलने लग गई और कहती है ना जलन के मारे कितना गंदा लिखता है तू थू, क्योंकि अब गू और सूहो साथ में टाइम बिताने लग गए नजदीकियां बड़े ऐसा कुछ ठीक। तो गू का हैप्पी वाला बर्थडे भी आ ही जाता है, सभी लड़की आई होती है इधर केक शेक लेके। गू को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आएंगी बट आ गई तो ठीक ही है, बट दुखी है फिर भी दुखी है ये सूहो नहीं आया ना इसलिए। यहाँ सियोंग गू के रूम में घुस जाती है और चुपके से उसके नोट्स को लेकर बाहर जाकर सभी पुलिस को दे देती है और दिखाती है, उसका खूब मजाक बनाया जाता है कि देखो देखो एक लड़के के बारे में क्या क्या लिखती है अपनी डायरी में ही ही। और भाई ली को ना गुस्सा आ जाता है कि मेरी फ्रेंड होकर नागिन कहीं की मेरे ही मतलब अब क्या बोलते क्रश को डसने निकली है। गू को भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि ना उसका सारा ध्यान तो इसके सूहो पर होता है कि वो आया क्यों नहीं मेरे बर्थडे में, और कहती है मेरा सबसे घटिया बर्थडे था ये। प्रेजेंट में वापस गू का बर्थडे आ गया होता है तो लीजिन उसे कॉल करती है और सूहो के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए अगले दिन बुलाती है। ली अगले दिन जल्दी रेस्टोरेंट में आकर प्रैक्टिस करने लगती है कि गू से मैं माफी कैसे मांगूंगी क्योंकि इसने गू को कई सालों तक इग्नोर किया है स्कूल से निकलने के बाद, काफी टाइम हो जाने पर भी गू नहीं आती है। तो ली वापस जाने लगती है, लास्ट टाइम उसको कॉल करती है तो रिंग जो है ना रेस्टोरेंट के बाहर से ही आ रही होती है क्योंकि एक बेवकूफ रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इसका इंतजार कर रही थी और दूसरी बेवकूफ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर क्या ही है। दोनों एक दूसरे को देखती है और वापस से पास्ट में चली जाती है। दोनों स्कूल से घर आ रही थी। गू कहती है सियोंग और बाकी लड़कियों से दूर रहना, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। लीजिन कहती है कि जा ना मैं क्यों मानू, मैं तो उनके साथ कैरियो के भी जाने वाली हूँ ना, तो जा यहाँ से तू। और जलने भी लग जाती है गू बहुत ज्यादा कि मेरी फ्रेंड होकर उनके साथ घूमती है और कहती है तुम्हें उनके साथ मजा आता है क्या। लीजिन कहती है बहुत आता है। शाम को सब अय्याश खोरी करने क्लब जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर टेमिन वही गिफ्ट वाला लड़का जो नंबर दे रहा था गिफ्ट दे दो नंबर ले लो ऐसा कुछ इसके ड्रिंक में ना कुछ मिला देता। भाई देख मुझे पहले ही पता था कि ऐसे लड़के ऐसी हरकत करते ही करते हैं और भाई इसको ना चक्कर वक्कर आने लग जाते लीजिन को, बट सही टाइम पर गू आगे इसको बचा लेती है और वापस इसको लेकर जाती है अपने घर। बट लीजिन उल्टा इसी पे चिल्लाने लगती है, कहती है कि तू जलती है मेरे से मेरी खूबसूरती से, तूने आज तक क्या किया है मेरे लिए, तूने बेइज्जती करवा दी मेरी, तू नहीं चाहती कि मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊं बंद के रहूं पता नहीं क्या क्या। सियोंग भी आ जाती है लीजिन को वापस क्लब में लेने के लिए पर लीजिन झूठ बोल देती है कि मैं नहीं आ रही काम है मुझे। सियोंग इसे डराती धमकाती है कि तू फिर से अकेली हो जाएगी बहुत अकेली पहले के जैसे। लीडर के वापस जाने लगती है इसके साथ क्लब के अंदर और गू ने जो इसको किचन दिया था वो वहीं पर गिर जाता है, मतलब दोस्ती खल्लास। तो गू बेचारी अकेली खड़ी होकर किचन को देखे जा रही बहुत देर हो जाती है। लीजिन वापस से भाग कर आती है और उसको हक कर लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी दोस्त। और यहाँ प्रेजेंट में भी दोनों ने एक दूसरे को हक करके रखा होता है। इतने में सूहो आ जाता है पता है सियोंग के साथ। अबे भाई क्या हो रहा है मुझे तो चक्कर आने लग गए हैं, कितने वेल्ले ही है सब। गू इन्हें देखकर भागने लग जाती है, सियोंग उसका पीछा करती है, भागती पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ जो किया है। गू कहती है तूने मेरी लाइफ खराब कर दी है, मेरे दोस्त छीने, मेरा क्रश भी हथिया लिया तूने और तूने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है ना आजकल, मैंने सुना है वहीं पे प्रैक्टिस करती है ना सब एक्टिंग की जो तू मेरे सामने करके दिखा रही है, भाग यहाँ से। सियोंग कहती है कि नहीं 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 तुमने मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया है, मेरे डार्क वाले कांड बताए, उससे मेरा करियर खराब हुआ उन सब का क्या। गू कहती है कि बहन मैंने नहीं किया ऐसा, झूठ मत बोल तू, और तू फेमस होना डिजर्व भी नहीं करती है बिल्कुल। यहाँ से हम सियोंग का एक इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर पूछा जा रहा होता है कि अपना पास्ट बताइए आपने कितना स्ट्रगल किया सियोंग जी। अब ये कहती है ना कि मैं डिलीवरी में काम करती थी, बाथरूम साफ किया करती थी और स्कूल में खूब बुली होती थी और अपने क्रश को फीलिंग भी कन्फेस नहीं कर पाई, कितना दर्द है इसकी बातों में। वापस से स्कूल में देखते हैं हम जहाँ पर सियोंग की नजरें सूहो और गू पर ही लगी रहती थी। आज सूहो गू को अपना जैकेट पहना रहा होता है, बस फिर क्या था जब बेचारी गू बाहर जाती है ना सियोंग पीछे पीछे जाती है और इसे जैकेट छीनने लगती है। सूहो कहती है जैकेट उतार मेरे क्रश की, जैकेट उतार। और भाई बच्चा बुद्धि है ना सूहो भाई, सूहो और बाकी सब भी देख लेते हैं और तो कहती है ना कि मैं तो बस खेल रही थी इसके साथ ही। और भाई इसकी मानता नहीं कोई बात वैसे क्योंकि इसके जो पास्ट ना कुछ खास रहा नहीं है बुली करने के अलावा। इतने में सियोंग को बुली का टैग भी दे दिया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, बेचारी की बेइज्जती होती है वो अलग। तो गू आकर इसे बचा लेती है और कहती है हम तो बस खेल रहे थे दोनों। और सियोंग की आज क्लीनिंग ड्यूटी भी होती है ना तो गू आकर इसकी हेल्प करवाती है। और वापस इंटरव्यू में आ जाते हैं हम और देखते हैं सियोंग कहती है कि एक्टिंग तो मैं इसलिए सीख रही हूँ ताकि मैं दूसरों की फीलिंग को समझ सकूँ और उनके कैरेक्टर में घुस घुस कर, और मुझे दुख है कि मैंने अपनी क्लासमेट को बहुत ज़्यादा बुली किया था। और हम देखते हैं कि इसका इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं बल्कि गू ही होती है कि गू एक मीडिया कंपनी के लिए काम करती है। मुझे तो चक्कर आने लग गया सच में इनकी हरकतें देख के। अब यहाँ से जाते हुए काम खत्म करके सियोंग कहती है कि मैंने जो कुछ भी बोला ना सब कुछ सच बोला था। इतने में सियोंग की फ्रेंड्स आ जाती है और सूहो भी है लीजिन भी है क्योंकि ये सब गू ने प्लान किया था और साथ में सब फोटोज क्लिक करते हैं। और एंड में हमें दिखाया जाता है सियोंग पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई होती है
और सब मिलके अपने स्कूल लाइफ की बातें करते हैं और एंड में गू और सू हो साथ में हो जाते हैं। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि हमारी जो मेन कैरेक्टर ली जिन थी उसका क्या हुआ, क्योंकि भाई मुझे खुद नहीं पता, राइटर ने स्टोरी लिखते लिखते ना उसका कैरेक्टर को भूल गया कि ये भी थी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी ऐसे स्कूल ड्रामास को देखने के लिए जिनमें पता नहीं क्या करते हैं लोग, कुछ काम धंधा नहीं है इनको, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूं तो लिए बाय।